कहाँ आए आप? हम कहाँ आए हैं? नहीं पता। बाय बाय, बाय बाय कर दो। बाय बाय। मैं हूँ पठानक सिंह और मेरे साथ हैं चड्डी बड़ी। अच्छा तू चप्पल चेहरा तो दिखा। अच्छा सही है। तो हम आज आए हैं चड्डी बड्डी की बर्थडे पे और चड्डी बड्डी जो है हमें ट्रीट दे रहे हैं और हम लोग इस वक्त हैं ज़मीर अंसारी पे और यहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब काफ़ी पहली दफ़ा आए और व्लॉग भी मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ। आप लोगों को बताऊँगा कि कोविड के दौरान जो हमारे स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ चीज़ें लगी हैं उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, खाना कैसा रहा, चीज़ें कैसी रहीं। तो ये वीडियो ज़रूर देखते रहेगा और नेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस किस्म की मदद आए फुट इन व्लॉग्स में आप लोग लेकर आता हूँ। कड़ी बड़ी कुछ बोलेंगे आप? लेकिन हाँ देखते क्या होता है। So they are wearing hand gloves and mask and even सर पे भी इन्होंने अपने पहना हुआ है। तो आई थिंक SOPs का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। हम लोग शायद अभी बैठे हुए तो हम लोग मास्क नहीं पहने हैं वरना काफ़ी अच्छा ख्याल कर रहे हैं तरीके से। ये है हमारी मुस्कान। हेलो मुस्कान, आप अपना ही बता दें कुछ। मम्मा ये जो ये है ना रेड बिहारी दिख रही है। मम्मा रेड बिहारी एक्चुअली और मेकअप ट्यूटोरियल चाहती हूं। आप जाके मेरा पेज फॉलो करें और बहुत जल्द एक रेड बिहारी दिख रहा है कोई भी वाला। तो आज जाए आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। मतलब मेरा कंपटीशन आने वाला है। हां बिल्कुल। तो फूड व्लॉग्स नहीं करना, बाकी सब कुछ आपको अलाउ है। दाल दिखा खाना ओप्पो नॉट मोबाइल काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके साथ ये मेरी पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ। आई होप इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो कैसे रिजल्ट्स हैं इसके ओप्पो नॉट के तो आप लोग ही मुझे वीडियो में बताएगा कि इसका रिजल्ट अच्छा है कि नहीं। आज मुझे अभी तक जो लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। वीडियो काफ़ी अच्छी आ रही है, इवन साउंड रिकॉर्डिंग इज गुड। तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि गुड एंड वर्थ इट। आपके लिए वीडियो नहीं बनाना क्यों नहीं? हाँ हाँ मैं अभी अपनी बना रही। आप कुछ बोल बात करेंगे। काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। काफ़ी मुनासिब तरीके से इन्होंने ऑर्डर दिया है चेक करके। अब हम थोड़ा सा इनका इंटरव्यू लेते हैं। चट्टी बड़ी आज अच्छा लग रहा है यार इतने अरसे बाद। मैं आज इनको बर्थडे की ट्रीट दे रहा हूँ जो कि इन्होंने आपको बताया नहीं, हमेशा खुद का बता नहीं। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि ये ट्रीट दे रहे हैं और बहुत अरसे बाद हम लोग बाहर आए। काफ़ी अच्छा हो गया लॉकडाउन, साफ सुथरे लग रहे हैं, बाल बाल अच्छे लग रहे हैं, कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। आज इनकी बर्थडे है। और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से? काफ़ी टाइम बाद आप लोगों ने मुझे देखा। जाहिर सी बात है इसको तो देख देख कर आप लोग बोर हो चुके होंगे बुरे तरीके से। आई होप और आप लोग हमेशा कमेंट में कहते हैं चड्डी बड़ी चाहिए, तो आज चड्डी बड़ी आ गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कॉमेडी वीडियो आपके साथ बनाएंगे और आपके साथ बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ बनाएंगे। मतलब उसमें चड्डी बड़ी होगा क्योंकि ये तो कॉमेडी करने से रहा है। ठीक है, खैर अभी भी मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। खैर हाँ ये कहूँगा कि ये जगह बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आई थिंक कोविड के लिहाज से भी बहुत अच्छा ख्याल रखा है इन्होंने। वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है काफ़ी। और अभी पहले में क्या कहते हैं मास्क और कोविड वाले टाइम में जो है ना मतलब इस तरीके से बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। वो डाइन आउट वाला सिस्टम है इनका और प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मतलब अभी 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 नहीं बताना है, खाना खाने के बाद बताएगा। रिव्यू हम कुछ वक्त देंगे। तो ये थे चड्डी बड्डी, बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे खाना और ऑर्डर जो आया। आई थिंक सर्विस बेटर, काफ़ी अच्छी सर्विस है। हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे, तकरीबन 8:30 बजे की हमारी अब बुकिंग थी। तकरीबन 9:08 पे पहुंचे, थोड़े ट्रैफिक की वजह से सदर साइड पे कराची सदर साइड पे। बट इन्होंने फौरन अकोमोडेट किया है, हमारे लिए टेबल्स लगाई हैं। पता था कि बर्थडे है उसकी फिटनेस वजह से हम लोग इधर आ रहे हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को वीडियो में और दिखाता हूं कैसा क्या रिव्यू थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियो और चैनल को जरूर। अरहान करीम सो जी, हमारे साथ अभी अभी एक ट्रेजेडी हुई है यहाँ पर, एक धमाका हुआ है। ओके अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक ज़ोर से धमाका किया है और मतलब टेररिस्ट अटैक था हमारे ऊपर और उसकी असरात अभी तक हमारे साथ मौजूद है। तो यस दैट वाज अ धमाका टेररिस्ट अटैक। पता चला है कि चड्डी बड्डी को स्वाट ने रेकमेंड किया है कि आप घर आइए। तो आपको स्वाट वालों ने क्या कह दिया भाई?
नहीं नहीं शॉर्ट मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी कमेंडेशन आई हुई थी कि ये इनका वैसे ही बाबी वगैरह बहुत मशहूर है, तो ये एक न्यू ब्रांच ओपन की है अभी दो दिन में पे जी दिल्ली में एक और ब्रांच है, ये दूसरी वाली है, तो ये अभी ओपन हुई है चार ब्रांच। बहुत भूख लग रही है, लोग आ नहीं रहा हमारा बच्चा बहुत अपना शुरू हो खाना बहुत मिल रहा है, मेरा बेटा कह रहा है अंकल खाना दे दो, तो गए यहाँ पे रश भी काफ़ी है इस वजह से होगा, बट हाँ शॉर्ट रेकमेंडेड है तो आई होप खाना अच्छा होगा। अभी तक काफ़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं खाने का, क्या कीमत है देखते हैं। Till now food was amazing, खास तौर पर नौरतन कबाब, दिस वॉज समथिंग चिकन और बीफ का मिक्स था एंड देट वॉज अमेजिंग। बाकी लोगों से भी रिव्यू आप लोगों को बताऊँगा कि उन लोगों को कैसा खाने लगा, मुझे अभी तक जो सर्विस है और फूड था हाँ थोड़ा लेट आया लेकिन अमेजिंग। खास तौर पर आई मस्ट रिकमेंड नौरतन कबाब, दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नौरतन कबाब, जिसमें चिकन और बीफ मिक्स था, सालन टाइप था बट क्या कहते हैं पराठे के साथ, बहुत अमेजिंग खाना बेहतरीन। BarBQ के आई थिंक दे आर स्पेशलिटी इज़ BarBQ, ग्रिल इनका ट्राई नहीं किया हम लोगों ने कभी, किसी और दिन आएंगे तो ग्रिल भी ट्राई करेंगे, लेकिन खाना अभी तक बहुत ग्रेट। चड्डी बड़ी से अभी पूछ लेते हैं बाकी लोगों से, गाड़ी में पूछेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और उनको खाने का कैसा लगा, तो देट वॉज माई रिव्यू। चड्डी बड़ी से पूछें, चड्डी बड़ी कैसा लगा? बहुत मज़े का, अभी खा रहा हूँ। हाँ ये तो खाता है माशाल्लाह, मैं खा चुका इतना ही खा सकता हूँ, लेकिन इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, बाकी लोगों से रिव्यू हम लोग आपको देते हैं। हाँ तो बिल चट्टी बटी दे रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से ट्रीट मिल रही है, और यहाँ पे हमारा व्लॉग भी एड होता है, लेकिन एक रिव्यू जो हमारी मॉम है वो जरूर देंगी, उनसे भी रिव्यू लेंगे। खास तौर पर आई थिंक उनका रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है खाने के हिसाब से जी। यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, तकरीबन बिल आया है 3,000 रुपये का, विच इज़ रीजनेबल, खाना आप लोगों ने देख लिया था। तकरीबन 3,000 मतलब 5 लोगों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 400-500 रुपये पर हेड है, विच इज़ वेरी रीजनेबल, खाना इतना महंगा नहीं था। बट हमारी मॉम आपका रिव्यू रह गया था, सब बेहतर बेहतर था, बेटर बेटर अच्छा लगा या फिर सो 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 मतलब मज़ा नहीं आया? सही सही सही, दो डिशेज अच्छी लगी आई थिंक, नौरतन कबाब तकरीबन सबको अच्छे लगे, और जो आई थिंक BarBQ में जो कबाब थे टिक्का बोटी वगैरह थोड़े बेहतर थे, सही थे, पास नहीं थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये चट्टी बटी को ओ लॉ भूत बैठा हुआ हमारे पीछे एकदम से हुआ था ये प्लान नहीं था ऐसा कुछ भी तो अच्छा अंधेरा हो रहा है, मैं चट्टी बटी का ज़रा रिव्यू लेना एक दफ़ा एंड ज़रूर देना होता है, वरना चट्टी बटी हमारे नाराज़ हो जाता है, मुझे पता था ये बोले बिल्कुल हमारे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ी लाइट आ जाए तो फिर मैं चट्टी बटी की तरफ शक्ल करता हूँ, कैमरा करता हूँ, वो अपना रिव्यू ज़रूर देंगे, बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अभी लाइट तकरीबन आ गई है, चले जी चट्टी बटी, मुझे बहुत मज़ा आया, सबसे अच्छा ये लगा कि भाई मुझे इतना सस्ता मिला मतलब जी हमेशा की तरह सस्ता अच्छा था, और बहुत रीजनेबल था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था, कुछ नमक वगैरह कम था एक दो खानों में, इस वजह से हमारी अम्मा को पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और वही कोविड के टाइम पे एसओपीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाएँ वहाँ पर और इन्जॉय करें, और हमें बताते रहें तो हम लोग भी जहाँ हम लोग बोलेंगे वहाँ जाके आप लोग को उस जगह करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बताना कहीं मत आप।